आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव फैजुल्ला नगर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 25 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 16 किलोमीटर है। 850 वोटों वाले इस गांव की कमान श्रीमती रेखा देवी के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी को निभाते हुए गांव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में क्या क्या विकास कराया है और अभी भी गांव में क्या क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के फैजुल्ला नगर ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान पति के पास। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल कार्यकाल को जो है प्रधान के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य अब तक गाँव में करवा दिए हैं? गाँव में सीसी रोड बनवाए हैं और खड़ंजा भी बनवाए हैं और स्कूल में ट्रेस बिछवाई है और नाली निर्माण भी कराया है और इसके साथ साथ हमने कुछ काम शमशान घाट में कराया। आवास मिले और गांव में आवास कोई नहीं मिला, आवास कोई आया ही नहीं है हमारे। ग्राम पंचायत ओडिया हो गई, शौचालय सब बनवाए, स्ट्रीट लाइट सोलर लाइट लगवाई है। सोलर लाइट तो सर नहीं लगवाई है, कूड़ेदान वगैरह रखवाए। हाँ, कूड़ेदान वगैरह रखवाए। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, क्या इसका लाभ आपकी ग्राम पंचायत में सभी को मिला है? हाँ, सभी को मिला है। इसमें किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा जो है लगभग सभी के आ गया, कुछ लोग रह गए 10%। बीजों पर सब्सिडी और बीमा जो किसानों का हुआ है यहाँ, हाँ वो भी हुआ है। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके? साफ सफाई की व्यवस्था भी सही है, सफाई कर्मी भी रहते हैं, वैसे भी ध्यान रखते हैं। नियमित आते हैं सफाई कर्मी? लापरवाही नहीं, रोजाना आते हैं, रोजाना खराब। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर है यहाँ? हाँ, बारात घर है, बारात घर में भी हमने अच्छा टाइल्स भी लगवाई है और उसकी मतलब पोताई उताई वगैरह सब कम्प्लीट करा दी है, दरवाजे वगैरह सौंदर्य काम करवाया है। पंचायत भवन है? हाँ, पंचायत भवन। आंगनवाड़ी केंद्र? आंगनवाड़ी केंद्र भी हमने अच्छे से बनवाया है, उसमें टेस्ट करा के उसमें फिट करा दिया। आपने अपने कार्यकाल में करवाए हैं? हाँ, जितना काफी करवाया। मतलब पीने का पानी, हमने यहाँ सुना है कि आसपास के पूरे इलाके में पीने का पानी काफी दूषित है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है, क्या आपके ग्राम पंचायत में भी ऐसी समस्या? ना, हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या अभी तक तो है नहीं। पानी शुद्ध है? हाँ, पानी शुद्ध है हमारे यहाँ का। अब अपने गाँव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? अब सरकार से तो मांग ही रहे, सरकार जितना पैसा देगी उसी हिसाब से हम लोग आगे काम भी कराएंगे जी। हाँ। मतलब किस तरह की समस्याएं अभी गांव में बाकी हैं, जिसके लिए आप चाहेंगे कि यदि सरकार आपकी मदद करे या सरकार आपको और ज्यादा धनराशि दे या किसी भी तरह सांसद निधि या विधायक निधि से यदि आपको किसी भी तरह का सहयोग मिले, मदद मिले, तो आप अपने गाँव में क्या ऐसी समस्या है जिसे प्राथमिकता देने की जरूरत है? ऐसा मिले सबसे गरीब लोग कम से कम 25-30 परिवार हैं जिनके आवास मतलब हैं तो लेकिन ना के बराबर हैं, गुजर बसर करने के आवास नहीं है उन लोगों के। क्या कच्चे रास्ते हैं गांव में अभी? ना ना, अभी मेरे गांव में कच्चा कोई रास्ता नहीं है, सब गांव मतलब जो रह गए थे काम वो मैंने सब अपने कार्यकाल में सब पूरे कर दिए, सभी रास्ते पक्के हो चुके हैं। जो रह गए हैं इधर उधर तो वो कराने भी जा रहे हैं जी। हाँ। अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? अस्पताल यहाँ से 5-6 किलोमीटर है जी। आपके यहाँ सामुदायिक केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र कोई बना हुआ निर्मित? ना, हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो इसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार आपके ग्राम पंचायत में अस्पताल या सामुदायिक केंद्र का सरकार अगर बनवा देती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब लोग परेशानी दूर हो जाएगी जी। जैसा कि आपने देखा प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इनके द्वारा यहाँ इस गांव में इनके कार्यकाल में करवाया जा चुका है, काफी विकसित ये गांव नजर आ रहा है, जैसे कि सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय से भी गाँव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लगभग ऐसी कोई मूलभूत समस्या यहाँ नजर नहीं आई है जिससे कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हों समस्याओं की तरफ। यदि नजर करें तो एक प्रमुख समस्या यहाँ पर अस्पताल की है, जो कि अस्पताल काफी दूरी पर है। सरकार यदि इस गांव में थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ी इनकी मदद करे, धनराशि और हो तो यहाँ पर ही एक अस्पताल निर्माण को लेकर मांग रखते हैं। अशरफ अली के साथ मेनाजरिंग टुडे 24 से जी। क्या नाम आपका? मैं गौहर अली, इंचार्ज प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय फैजुल्ला नगर। और ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ पे क्या क्या विकास कराया गया है विद्यालय में? यहाँ दो अलग अलग वित्तीय वर्ष में दो काम कराए गए हैं। पहली बार जो है
2017 या 2018 में जो है विद्यालय के सामने जो प्रांगण है उसके हिस्से में टाइल्स मिट्टी डलवा के टाइल्स भिजवाई गई थी, और अगले वित्तीय वर्ष में जो है मेन जो एक दीवार आंशिक रूप से ढह गई थी प्रधान जी के द्वारा, वो द्वारा दूर कराई गई थी, और साथ ही साथ जो है मेन गेट से लेके और जो पहला काम कराया गया था उससे एक सीसी रोड मतलब ईंट वाला रोड अटैच किया गया था। इसी तरह से हमारे विद्यालय के प्रांगण से सटा हुआ आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें का भी सौंदर्यीकरण प्रधान जी के द्वारा कराया गया था। साथ ही साथ हमारे विद्यालय से सटा हुआ जो है ये बारात घर, गांव का जो बारात घर है जो बहन मायावती जी के टाइम में बनवाया गया था, वो अब थोड़ा क्षीण अवस्था में हो गया था क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था, गांव के लोगों ने उसे क्षति पहुंचा दी थी और इस वजह से उसकी ईंटें वीटें गिर गई थी, खिड़की विड़की। जितनी आवश्यकता उतना प्रधान जी यहाँ विकास कराते हैं विद्यालय में। विद्यालय में आवश्यक प्रधान जी ने हमारा सहयोग दिया है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय फैजुल्ला नगर क्षेत्र सवारानपुर। ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? ये पानी का टैंक लगवाया गया, टॉयलेट बनवाई गई, टॉयलेट में टाइल्स लगवाई गई, ये प्लास्टर का काम कराया गया, किचन में कुछ काम कराया गया, और ये दीवार बनवाई गई, बाउंड्री बनवाई गई, मतलब काफ़ी विकास यहाँ कराया गया। समय समय पर ध्यान देते हैं प्रधान जी, आते रहते हैं, जो ज़रूरत होती है उसको हल करते रहते हैं। कुछ काम विद्यालय की तरफ से भी कराया गया, जैसे पेड़ की चबूतरी बनवानी, ये चबूतरी बनवानी, कमरे का फर्श बनवाना,